ये बात पूरी दुनिया में मुसल्लम है कि औरत को अल्लाह ने लंबे बाल दिए, तो उसके लिए बाल कटवाना ये मर्दों से मुशाबहत है, इसलिए ये सही नहीं है। बाज़ लोग कहते हैं उम्महातुल मोमिनीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद बाल कटवाए थे, छोटे करवाए थे, तो इसलिए बाज़ लोग कहते हैं इससे पता चलता है औरत बाल छोटे करवा सकती है। तो खूब समझें कि उम्महातुल मोमिनीन ने नबी के इंतकाल के बाद जो बाल छोटे करवाए थे वो ज़ीनत ख़त्म करने के लिए, कि अब शौहर का इंतकाल हो गया तो हमने बालों की ज़ीनत किसके लिए, तो शौहर के लिए थी, तो ज़ीनत ख़त्म करने की नीयत से थोड़े से छोटे करवाए थे बाल। जबकि आज औरतें जो बाल छोटे करवाती हैं वो फैशन के लिए, ज़ीनत पैदा करने के लिए, तो ये तग़यीर ख़ल्क़िल्लाह है, ये अल्लाह की तख्लीक को बदलना है, ये जिस चीज़ में अल्लाह ने ज़ीनत रखी है लंबे बालों में आप उसके ख़िलाफ़ को ज़ीनत करार दे रहे हो, तो ये अल्लाह की तख्लीक को बदलना है। इसलिए औरत के लिए नाजायज़ है कि वो ज़ीनत के लिए बाल छोटे करवाए। इसलिए उलमा कहते हैं कि अगर कोई इसलिए बालों के किनारे छोटे कर रही है कि इससे बाल सेहतमंद हो जाएंगे तो ये जायज़ है, तो इसलिए औरत के लिए इसलिए बाल छोटे कराना कि फैशन के तौर पर, ज़ीनत के तौर पर, तो चूँकि फुसाक औरतों का शियार है, गैर मुस्लिमों का शियार है, तो ये मुसलमान औरत के लिए जायज़ नहीं है। और अगर वैसे ही छोटे करवाती है कि वो बालों की नोकें छोटे करवा रही हैं कि ताकि वो थोड़े से एक लेवल में आ जाए तो ये जायज़ है, और अगर कोई इसलिए छोटे करवा रही है कि बहुत ही लंबे हो गए संभालना मुश्किल है तो भी जायज़ है, लेकिन इतने छोटे कि मर्दों से मुशाबहत हो। इसलिए उलमा कहते हैं कि कम से कम जो है ना इतने बाल जो कमर तक आ रहे हों और जो जिसमें चुटिया बन सकती हो, बाज़ उलमा ने ये भी कहा है कि जो औरतों के बाल होते हैं कम से कम चुटिया बन सकती है उस बालों में अगर कोई बनाना चाहे, तो इससे ज़्यादा छोटे करने की इजाज़त नहीं है।